अब पापा को गिरने का डर नहीं है फोन का, है गिर भी जाए तो सेफ रहेगा, ट्रायल लेना है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय नेदर व्लॉग। तो अभी बज रहे सुबह के 10:30, तो चलिए करते व्लॉग की शुरुआत, देखते हैं आज की दिनचर्या में क्या क्या होता है। तो चलो, तो अभी चल रहा है अपना नाश्ता भाई। तो थोनथाप बना रखा हमने, थोनथा बोलते थे दिया जब बचपन में, मतलब छोटी थी, अभी भी बचपन ही वैसे, पर ज्यादा छोटी थी तब बोलती थी थोनथा। तो भाई समोसा है, बिल्कुल हलवा बना दिया इसका मैंने, कौन से दरवाजे, ये टी शर्ट पजामे और फट कब गया, परसों का फटा है, कल देख लिया अपने, कल जब भी है मैंने वहाँ पे देखा। ये पता क्या है, ये पेंट करा था ना मैंने, बैठ के कर रहा था तो उसमें घिसड़ने फटा है, ठीक है, खाली बहाने मार रहे इधर उधर के, मुझे पता है यहाँ फट कर रहा था, टी शर्ट थी और ये थी, कोई बात नहीं, दरवाजे के नीचे आ रहा था। हाँ, दरवाजे के नीचे ऐसे फटेगा। अरे सो लोग पेंट करते हैं ना, तो उनके पेंट मतलब कपड़ों में पेंट लगा होता है, और मेरे साथ उल्टा है, कपड़ों में पेंट तो लगा नहीं, बट इतना खतरनाक काम हो गया देखो। तो ये पजामा है ना, ये देखो यहाँ से पूरा, तो मैं बैठ के कर रहा था ना, तो ये सारा घिसड़ घिसड़ के ऐसा हो गया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसको रख देता हूँ म्यूजियम के लिए ना, कि ऐसा मतलब पहली बार हुआ होगा पेंट करने में पजामा फट गया। सो टाइम होगा दिन के 12, और भाई मैं साइकिल लेके आ रखा हूँ अभी जूस पीने के लिए। भाई गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना, तो मतलब जूस जरूरी हो गया, मतलब डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी और जूस दबा के पियो, बाकी देखता हूँ यहाँ मिल जाएगा। तो अपने साइकिल कर दिया लॉक, अब पी लेते भाई गन्ने का जूस यहाँ से, अपने भाई की दुकान है यहीं से पीते गन्ने का जूस, जब भी पीते हम तो बनवा लेते हैं। जूस पिए घर, बाकी वही भाई से मैं पीता हूँ, मंडी के बाहर है दुकान भाई की, राइट साइड में, दो साइड में है, लेफ्ट राइट, मतलब रस्ते बहुत पड़ते हैं गन्ने की वैसे तो भाई है ना, मतलब जेनुअन होते हैं चीज का ही होते हैं, पानी मिलाते हैं, क्योंकि जूस में स्कैम होता है आपको पता है बहुत, तो मतलब बिल्कुल प्योर मिल जाएगी चीज आपको, मतलब सीधा गन्ने का रस ही मिलेगा, और ठंडा चाहिए थोड़ी बर्फ उसमें बस, बाकी मस्त टेस्ट होता है। तो जूस पी के आया था, अब दोबारा से उसी रस्ते में जाना है, तो पापा का कवर मंगाया था आसू भाई से, फोन वाली दुकान है जो, तो वहां से मंगाया था, तो भाई लेके आया दिल्ली से, तो मैं वहीं से आया थोड़ी देर पहले, पता तो लेके आया था, अभी गर्मी में दोबारा चक्कर काटना पड़ेगा। फोन देना अपना, फोन का ही नहीं पता कहाँ है, वाह है, अच्छा यही है, लो देखो फिर ले आता हूँ मैं आपके कपड़े पहना लाता हूँ, फोन को नए कपड़े आ गए इसके, साइकिल ले जाओ स्कूटी ले जाओ, अच्छा जी तेल बचाए तो लेके चलते हैं भाई साइकिल दोबारा से, बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटी होती ना तो सही रहता, फिर पापा कहते स्कूटी दे जा, बाकी किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई, तो तेल महंगा हुआ तो इसका यूज़ कम कर दिया मैंने, देख लो। सो भाई जून वाली गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब खतरनाक ही हो रही है यार, मतलब जला दी साइकिल को ही बिल्कुल, और बुरा हाल हो रखा है, काला ना हो जाऊँ मैं। सो आ गया दुकान पे, बाकी साइकिल यहाँ पार्क कर दी, आसू नहीं सीएनजी लगवानी पड़ेगी स्कूटी पे, स्कूटी पे सीएनजी लगवानी पड़ेगी है ना, मैं नहीं बता यार इतना महंगा हो गया तेल। सो आ गए भाई फोन के कपड़े, बाकी देखते हैं कौन सा कलर लेना है, लेना पापा ने फोन करके पूछ लेता हूँ। सो फाइनली हो गया भाई अपने फोन का कपड़ा पैक, बाकी अब सही लग रहा है, सेफ्टी हो गई अब। सो भाई सीट इतनी गर्म हो चुकी है ना, बुरा हाल हो गया, हाँ डाल दे ठंडा पानी, हाँ बहुत गर्म हो रही है, ये हैंडल पे आता है, अब देख तू ब्रेक पे, दे ब्रेक पे आता है, लगा लगा हाँ भाई सही ठंडा हो रहा पानी, तो ब्रेक भी गल जल रहे हैं बिल्कुल। चलो भाई धन्यवाद नहलाए तो इसने घर जाके आवे। सो आ गया भाई घर, और ये रहा पापा का फोन, अब बाकी वेट तो डबल हो गया पूरा, ये लो सर टाइम होगा दिन के 3, और आ गए खाना खाने के लिए, बाकी पापा को फोन सौंप दिया है, अमानत थी जो पापा की, बाकी कवर लगा दिया उसमें, हैवी हो गया फोन, तो सही है सेफ्टी रहेगी। खाना आज का दाल घिया की सब्जी प्लस रोटी, तो एकादशी है ना, तो एकादशी चावल नहीं बनते हमारे घर में, अपना काजू बादाम ऐसा गेट के बाहर ही रहता है, घर में मन नहीं लगता तेरा है, नहीं तो बाहर घूमना फिर, गेट पे भी क्यों खड़ा है, गेट पे क्यों खड़ा, बाहर घूम नहीं। तो भाई बच्चों के रिजल्ट आने वाले, तो 2-4 दिन का गेम बचा बेचारों का, रिजल्ट आने के बाद भी खेलोगे ऐसे, या घर वाले बढ़िया ठोकेंगे, चप्पल जूते तैयार है घर वालों के, बस तैयार है, लठ है, बढ़िया रिजल्ट आने की संभावना है पक्का, रिजल्ट आने के बाद खेलेगा है, देख पता लगेगा अच्छा रिजल्ट, अबे नहीं समझा नहीं रिजल्ट में, एक चप्पल खा के कहीं बैठे रहे कोई
डंडे चप्पल बताइयो किसको कितने लगे, ठीक है रिजल्ट के बाद। छोटा मगर रात के 10:30 और आगे भी खाना खाने के लिए। बाकी मम्मी ना दूध उबालती है, दूध उबालने में देखो कहाँ गई थैलियाँ, गायब कर दी। ओ भाई साहब, तो जो भी थैलियाँ ना दोनों में इतना पानी भर के मस्त तब डालती है इसमें, मतलब एक लीटर का डेढ़ बना देती है ना, है 5 लीटर बना देती है। 5 लीटर मतलब 1 लीटर दूध था, लगा लो उसमें कितना मिक्स हुआ होगा पानी, ये 1.5 लीटर का ये है पतीला, 1.5 का है। अच्छा फिर तो कम ही करा, पूरा 1.5 आता है उसमें, मतलब थैली में मतलब पानी भर के रख के पूरा। तो आज पापा भाई अपने नए कवर के साथ फोन चलाते हुए, हैवी हो रहा है फोन, है सही लग रहा है ना अब कंफर्टेबल थोड़ा, या बड़ी बेकार लग रहा है अब पापा को गिरने का डर नहीं है फोन का, है गिर भी जाए तो सेफ रहेगा, ट्रायल लेना है यही करो। सही है वैसे, बढ़िया लग रहा है। सो टाइम अगर रात के 11 और भाई अपना खाना पीना हो गया और थोड़ा घूमने निकल गया, क्योंकि अब ये गर्मियों का मौसम है ना, इस टाइम पे बाहर थोड़ा ठंडा सा रहता है पेड़ के नीचे, तो यहाँ घूमने में अलग ही मजा आता है, अपना खाना भी हजम दोनों का। बाकी पतझड़ का मौसम चल रहा है अभी, तो ये पत्ते देखो जगह जगह, मतलब सुबह तो सफाई कर देते हैं अंकल आगे, तो उसके बाद फिर इतने हो जाते हैं, मतलब ये पेड़ है जो अपना इसमें ना पीले पीले पत्ते और गा दे जाते हैं सारे झड़ेंगे। सब मम्मी का बुलावा आ गया भाई घूमने फिरने में, यहाँ इतना घूमने भी नहीं देती, देखो कह रही ताल लगा दूँ बाहर रहे रात भर, 11:30 हो गए ना, आधा घंटा हो गया घूमते घूमते, तो चलते हैं भाई सोने का टाइम हो गया, ऐसे सुबह जल्दी उठना, कल से सोच रहे हैं सुबह जाने की, होप चले जाएं कल से, देखते हैं। सो यहाँ पड़ोस में इस टाइम पे पढ़ाई चल रही है, देखो इंग्लिश भी सिखा दो, इंग्लिश भी थोड़ी उपवन, उपवन मतलब क्या होता है मेरे को ही बताओ। चलो पढ़ाओ पढ़ाओ। अच्छा तो अभी आ गया भाई घूम के अंदर, बाकी मैच देखा आज का, आज 2 नई टीमों का मैच था IPL की, गुजरात और लखनऊ, तो गुजरात जीत चुकी है, बाकी हार्दिक पांड्या रन खाए पर फिर भी हुए कैप्टनसी, मतलब सीखती जी जाती, बाकी अपने KL राहुल भाई 0 पे आउट हो गया यार, बड़ा दुख हुआ, चलो कोई नहीं चलता रहता क्रिकेट है ना। सो यार पापा फ्लिप कवर का पूरा फायदा उठा रहे हैं, देखो पहले हाथ में लेके फोन देखते थे, तो अब मस्त ये कवर स्टैंड के ही काम आ रहा है। सो पापा को देख के मम्मी की डिमांड आई है, मेरे फोन के लिए भी ऐसा कवर चाहिए, नहीं मिलेगा अभी, अगले हफ्ते या मंगाना पक्का, फिर है महंगा आएगा तेरे वाले, कितना आएगा इससे तो महंगा ही आएगा, 10 रुपए 20 रुपए का तो महंगा, 100 रुपए 100 रुपए महंगा, हाँ और क्या किले? क्यों क्या फैंप, अच्छा एक कहाँ रह गया, ये 18-19 हजार का फोन कहाँ रह गया, 70 हजार का फोन तब नहीं कही ना किले, इतना महंगा फोन किले, बस फिर कवर भी तो, कवर तो कह रही है ले आओ, कवर तो ले आओ कह रही है ना, फिर लाना है फाइनल, चल ठीक है, तो मम्मी के लिए भी एक कवर ऑर्डर करते हैं भाई अगले हफ्ते, मम्मी के लिए भी कवर आ जाएगा, एक हफ्ते की बुकिंग है। छोटा मगर 12:45 और भाई सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह 5:30 बजे उठने की बात हुई है, दीपू भाई भी कह रहा था मैं उठाने आ जाऊंगा, तो पक्का जाएंगे कल, तो मतलब उठ ही जाएंगे, चलो जब सोच लिया है तो वीडियो में बोल दिया था, तो चलिए करते फिलहाल इस वीडियो का एंड, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी ये कवर कवर की बातें होती रहेंगी, मतलब ये वीडियो में ना इसलिए मैं बताता हूँ ये चीज़ें, ताकि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढे ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढे तो इंसान को एक ये स्ट्रेस भरी जिंदगी से राहत मिल जाती है ना, तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, चलो। बचा दिए तेरे पिट्ठू।